वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद इस हफ्ते की सरगर्मियां जिसमें सियासी, समाजी और खेलों की सरगर्मियां शामिल हैं। हम आपको वैंकूवर में जो ये सरगर्मियां हो रही हैं हम उनकी तफसील आपको आज देंगे। तो नाज़रीन यहां पे सरे में न्यूटन ग्राउंड पे बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर साल होता है यहाँ पे। इसमें सरे और कैलगरी की टीमों का मैच आज हो रहा है। हम इस मैच को आपको दिखाएंगे और उसकी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे और कुछ सियासी और समाजी सरगर्मियाँ जो हुई हैं हम उसका भी हाल दिखाएंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी अमजद भाई भी आ गए माशाल्लाह। ओहो ये सर ये इधर आ सर इधर आ इधर आ जाओ यार इस साइड पे शीशा सूरज को दिखाओ सूरज को अमजद भाई से बोलते हैं क्या बोलते हैं बिग बैश टूर्नामेंट है। जी नाज़रीन मेरे साथ एडमिंटन की टीम के सभी चौधरी और पाकिस्तान की कम्युनिटी इंडिया की कम्युनिटी जो कि यहाँ पे एक एज अ टीम खेल रहे हैं यहाँ पे आए हैं सब मिलके मोहब्बत से। यहाँ पे कोविड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होते ही यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ है बिग बैश के नाम से। इस टूर्नामेंट में जो है कैलगरी और सरे की टीमें न्यूटन पार्क में यहाँ पे सरे में खेल रही हैं। मैं सभी चौधरी से बात करूँगा कि ये बात करें ये बताएं कि ये टूर्नामेंट में क्या हो रहा है इस वक्त। जी क्या हाल चल रहा जी इस वक्त भी हम आए हैं एडमिंटन से और हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एडमिंटन चैलेंजर्स को। हमने खेला सेमीफाइनल जो अनफॉर्चुनेटली हार गए दैट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। और बैडमिंटन से इस वक्त बड़ी टीम पूरे अल्बर्टा से इस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा टीमों ने पार्टिसिपेशन की है। अराउंड 4 टीमें यहाँ पर आई हैं और ऑफकोर्स कोविड के बाद एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए खेलने के लिए और बड़ा अच्छा एंजॉय किया बड़ा अच्छा एटमोसफेयर था स्पेशली BC में और बड़ी अच्छी हॉस्पिटेबिलिटी हमें यहाँ पर रिसीव हुई है और टूर्नामेंट का भी काफ़ी अच्छा मज़ा आया। इस वक्त हमारी एक अल्बर्टा से ही टीम फाइनल खेल रही है और एक यहाँ से BC की टीम फाइनल खेल रही है और इट वॉज़ नाइस एटमोसफेयर और बड़े अच्छे यंगस्टर क्रिकेटर्स को भी बड़ा अच्छा मौका मिला यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने का। और टोटल जो नंबर ऑफ़ टीम जो थी वो 16 थी पार्टिसिपेट की। यूजली हर साल यहाँ पर 12 करती हैं और इस साल जो है नंबर ऑफ़ टीम्स इंक्रीज़ हुई हैं विच इज़ वेरी गुड साइन कि क्रिकेट ग्रो कर रही है और डाउन द रोड इट माइट बी इंक्रीज मोर। और बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी है कि जो प्राइस मनी भी है वो भी बड़ी अच्छी है 25,000 है यहाँ पर प्राइस मनी है और जो फीस है बड़ी मिनिमम है। और आई थिंक आई विल इन्वाइट ऑल द क्रिकेटर्स ऑल ओवर इन द कंट्री इन कैनेडा कि आप इस तरह की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और शो करें और इसमें पार्टिसिपेशन के साथ साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जो कि यहाँ पर कैनेडा में हमारी अपनी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत नंबर्स इंक्रीज़ कर रही हैं और डाउन द रोड यहाँ पर जिस तरह के सिटीजनशिप जो हमारे इस वक्त इनके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी लोगों ने अभी यहाँ पर आना है तो इसके लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कम और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। जी बहुत अच्छा आपने इतनी तफसील बताई है यहाँ पे कि और मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि सिटी ऑफ सरे के जो मेयर हैं डग मकालम उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट बनाएंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपनी जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उसके थ्रू लेटर्स भी लिखें ताकि उनकी एक पॉलिटिकल बयान ही ना रह जाए। तो वो बहुत अच्छा एक वो करेंगे यहाँ पे अगर ये भी इतनी बड़ी जगह है कि इंटरनेशनल वो बन सकता है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी इज हियर एंड लेट्स सी द मैच। या जी नाज़रीन मेरे साथ आतिफ है आतिफ जो है इस टूर्नामेंट की और कुछ तफसील बताएंगे। जी आतिफ बताइए ये अभी सरे खेल रही है और ऑलमोस्ट इनके 20 ओवर होने वाले हैं। जी बिल्कुल वेलकम एवरीवन और ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट सरी की टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए अगेंस्ट कैलगरी की टीम और सरी की टीम इज़ ऑलमोस्ट जो है अभी इनके ओवर्स ख़त्म होने वाले हैं। 20 ओवर का गेम है और इसके बाद कैलगरी की टीम जो है वो बैटिंग करेगी। वी डोंट नो द स्कोर येट बट वी नो के ओवर्स 2 या 3 बाकी बचे हैं और ये काफ़ी कंपेरेटिव गेम है। दोनों टीम बड़ी टैलेंटेड हैं तो देखना ये है कि हु विल क्लिंच द टाइटल आइदर कैलगरी और BC ऑफ कोर्स बीइंग अ BC रेजिडेंट
we would go for BC, cheer up for BC, of course. That's right. Like, and it's a part of the game, or we will cheer up jo bhi team jeete, we wish them all the best. So, dekhte hain ki kya hota hai, or it's going to be a good game eventually. Eventually, very good. Aisa karte hain nazreen, hum aapko game ki jo sare khel rahi hai is waqt Calgary ke sath, uski kuch jhalkiyan dikhate hain. जी ये देखे नाज़रीन, यहाँ पे ये जो ब्लू शर्ट में है वो क्या हमारी सरी की टीम है जो बैटिंग कर रही है. जी बिल्कुल. और ऑरेंज और ब्लैक जो टीम है वो कैलगरी की टीम है. बड़ी अच्छी, उनके काफी अच्छा टैलेंट है. हाँ. इसमें कुछ प्लेयर जो है इन्होंने कनाडा को रिप्रेजेंट किया है, स्पेशली जो कीपर है उन्होंने कनाडा को रिप्रेजेंट किया है. और इसमें इनके दो तीन प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज से आए हैं. So, it's a very good talent, or it's going to be a very competitive game. Oh, very good. So, International Surrey will become international cricket ground over here, as our mayor have said. जी, so, जी, this is very good. जी, बिल्कुल दिखा भाई. और सिटी ऑफ सरी ने बहुत क्रिकेट को प्रमोट किया है. कोई जमाना था यहाँ पे टर्फ विकेट थी नहीं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में कि हमारे पास दो टर्फ विकेट हैं यहाँ पर. और यहाँ पे जो लोगों का जो क्राउड आया है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. जो कितने भी क्रिकेट एंथुजिस्ट हैं वो जो यहाँ पे आए हुए हैं और चीयर अप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी इंतखाब भाई. तो हम इसको प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन आज टाइटल जीतता है, क्योंकि $25,000 की जो है प्राइज मनी है. एंड इट्स अ वेरी गुड मनी. इट्स अ वेरी गुड मनी. थैंक यू वेरी मच नाज़रीन. हम आपको इसकी और झलकियाँ दिखाएंगे और विनिंग टीम का रिजल्ट भी बताएंगे. देखते रहिए वैनकूवर की जान. दिल अपना पाकिस्तान. जीवे जीवे पाकिस्तान. जीवे जीवे पाकिस्तान.